नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। एम्स के 4 और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर है। प्रदेश के 4 और कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रायपुर एम्स ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 6 रह गई है। अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी। दिमाग की गतिविधियां नहीं के बराबर संचालित। अजीत जोगी की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, अभी वेंटिलेटर में रखा गया है। अगले 48-72 घंटे बेहद अहम है। बता दें कि 9 मई को सुबह नाश्ता के दौरान अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ गई। दिल का दौरा पड़ने के बाद तुरंत रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अमित जोगी ने मीडिया को जानकारी दी थी कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। महासमुंद में क्वारंटाइन सेंटर से भागे 9 मजदूर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 9 मजदूरों के क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाने का ताजा मामला सामने आया है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 9 मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि सरायपाली के भिकपाली ग्राम पंचायत मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व MD के खिलाफ EOW ने दर्ज किया केस। 6,55,00,000 के फर्जीवाड़े का है आरोप। करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े मामले EOW ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व MD अशोक चतुर्वेदी पर शिकंजा कसा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नहीं थम रही कोरोना वायरस की रफ्तार। देश में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा केस, 97 नई मौतें। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमित मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। यह पहली बार है जब पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिनों में कोरोना के 4,213 नए मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 97 नई मौतें भी हो चुकी है। आगरा सेंट्रल जेल में 12 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले। आगरा सेंट्रल जेल में 12 कैदियों में रविवार रात घातक वायरस COVID-19 का परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद ताज नगरी में कोरोना संकट ने विकट मोड़ ले लिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक लव कुमार ने कहा कि हमने कैदियों के 24 नमूने लैब परीक्षण के लिए भेजे थे और इनमें से 12 को SN मेडिकल कॉलेज द्वारा कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अब और नमूने लैब परीक्षण के लिए एकत्र किए गए हैं। UP में श्रम कानून में बदलाव। जारी आदेश के मुताबिक कोई कर्मचारी किसी भी कारखाने में प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में 72 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। पहले यह अवधि दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे थी। 12 घंटे के शिफ्ट के दौरान 6 घंटे के बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। 12 घंटे के शिफ्ट करने वाले कर्मचारी की मजदूरी दरों के अनुपात में होगी। यानी अगर किसी मजदूर की 8 घंटे की 80 रुपये है तो उसे 12 घंटे के हिसाब से 120 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले ओवरटाइम करने पर प्रति घंटे सैलरी के हिसाब से दोगुनी सैलरी मिलती थी। श्रम कानूनों में बदलाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मूलभूत सिद्धांतों पर समझौता नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानव अधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बॉयफ्रेंड संग लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक्ट्रेस पूनम पांडे गिरफ्तार, IPC के तहत मामला दर्ज। अक्सर विवादों और सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे अपने लुक्स के लिए जानी जाती है। रविवार को मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। पुलिस ने उनके बॉयफ्रेंड सैम अहमद को भी गिरफ्तार किया है। स्पेन की फुटबॉल लीग के 5 खिलाड़ी संक्रमित। EPL की बैठक से पहले ब्राइटन के एक और प्लेयर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्पेन के 2 फुटबॉल लीग के 5 खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को इसकी पुष्टि की गई है। इधर इंग्लिश प्रीमियर लीग की आज होने वाली बैठक से पहले ब्राइटन क्लब के एक और खिलाड़ी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिनों पहले क्लब के 2 खिलाड़ी इस वायरस से संक्रमित पाए गए थे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो के अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।